युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 25 जनवरी 2020 दिन शनिवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अमावस्या तिथि मध्य रात्रि 3:11 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:53 से लेकर 11:13 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज आपके लाइफ पार्टनर का साथ ही आपकी सफलता का राज बन सकता है और आज आपके लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। आज बैंक में कार्यरत लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है और आज उनको प्रमोशन के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आप प्रातः काल उठकर स्वयं को जोशीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे। परंतु स्वयं का व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर आज काम का लोड बढ़ जाएगा जिस कारण वे खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज ऐसा हो सकता है कि आपके मेहनत के अनुकूल आपको सफलता ना प्राप्त हो, परंतु आप निराश ना हो और मेहनत करने से पीछे ना हटें। आज पीले वस्त्र धारण करने से परहेज करें। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर मंदिर जाकर शिव जी की आराधना करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। वृषभ राशि वालों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप नौकरी की वजह से परेशान हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चमत्कारी उपाय जिसे करके किसी भी राशि के युवक और युवती शीघ्र ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। आज
आपको शाम के समय किसी नवग्रह मंदिर जाकर बृहस्पति देवता को 5 तरह की मिठाई, एक हरी इलायची का जोड़ा और शुद्ध घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो एक योग्य जीवन साथी पाने की आपकी मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और काम का सिलसिले में मैं रहता हूं गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे तो उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में ये गुरु माँ ने जो अंगूर दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं। तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, एंड लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।